खबर शिवपुरी से है, जहां यातायात पुलिस एवं नगर पालिका द्वारा नगर में अतिक्रमण की मुहिम चलाई गई। ट्रैफिक इंचार्ज रणवीर यादव ने हाजी संधू मार्केट के निकट नए मॉल के सामने सड़क पर गिट्टी रेत हटाने की कार्रवाई की। कल्ला पान वाले के पास बन रही बिल्डिंग का मटेरियल भी सड़क पर पड़ा हुआ था, जिस पर यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव द्वारा 5,000 का जुर्माना भी किया गया। साथ ही झांसी तिराहा पर अस्थायी अतिक्रमण करने वालों पर संयुक्त कार्रवाई की गई, जिनमें दुकानदारों द्वारा दुकान के बाहर सरिया, गिट्टी, रेत आदि रखे दिए थे, जिन पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। मैं आपको बता दें कि बीते रोज कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी और SSP राजेश सिंह चंदेल ने नगर का पैदल दौरा किया, जिसके बाद निर्देश दिए उन पर अमल शुरू हुआ। ये संयुक्त कार्रवाई की गई है, क्या कुछ ये कार्रवाई रही है? आज 4 बजे से झांसी तराहे से जितने भी अस्थायी अतिक्रमण था, जैसे कि सरिये रखे हैं सरिये वालों ने, किसी ने टेंट लगा लिया है मिठाई वालों ने, कहीं ने टायर रख दिए, ट्रैक्टर रख दिए, कारें, ठेले, इस तरह की जो अव्यवस्थित था और अस्थायी अतिक्रमण था, उसको आज नगर पालिका के साथ मिलकर हटाया गया है। जुर्माने की कार्रवाई की गई है। जैसे कि आप ये बिल्डिंग को देख रहे हैं, कल्लापार वाले क्या बन रहे हैं, पूरा सड़क अपना मटेरियल डाल के रखा हुआ है, जिससे जाम की स्थिति बन रही है आए दिन और लोगों को परेशानी सामना करना पड़ा। इस पर अभी 5,000 रुपये का जुर्माना किया है और चेतावनी दी गई है, अगर ये अपनी बिल्डिंग मटेरियल, जो बिल्डिंग का काम कर रहे हैं करिए, लेकिन ये अस्थायी आप डाल के रख रहे हो अस्थायी मटेरियल, उसको आप हटाएं। ऐसे ही पूरे शहर में जहाँ जहाँ थीम रोड के किनारे अतिक्रमण कर लिया है लोगों ने अस्थायी अतिक्रमण, उसको पूरे को हटाएंगे। एक अच्छी यातायात व्यवस्था देना सुनिश्चित करना है और शहर में एक अच्छा माहौल करना है कि साफ सफाई भी शहर में बनी रहे और ट्रैफिक व्यवस्था भी बनी रहे, ये हमारा उद्देश्य।